उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कोरोना काल में पुत्र धर्म की बजाय राज धर्म को चुना। मुश्किल घड़ी में कर्तव्यों को ऊपर रखकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में उनकी कोशिशों की चारों तरफ तारीफ हो रही है। भगवाधारी योगी के योद्धाओं ने अपराधियों पर शिकंजा कसा हुआ है। योगी की सियासत के आगे बुआ बबुआ से लेकर चाचा हर कोई पस्त है। ऐसे में किन ग्रह नक्षत्रों के कारण कोरोना के खिलाफ योगी मॉडल सफल होगा? क्या कुंडली में है दोबारा मुख्यमंत्री बनने के योग? आने वाले 6 महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस पर क्या कहती है मयंक शर्मा जी की ज्योतिषी और उनकी भविष्यवाणी, देखिए इस वीडियो में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे जन्मपत्री की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और जिन्होंने सन्यासी जो बन गए, जिन्होंने सन्यास को अपनाया, अपना घर छोड़कर काफ़ी समय वो गोरखपुर में रहे, संघर्ष किया, जनता के लिए काम किया, उसके बाद बीजेपी के सांसद बने गोरखपुर से और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। क्या कहती है आदित्यनाथ जी की कुंडली? और बहुत से प्रश्न हैं जनता के मन में, जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं, ढेरों सवाल भेजे हैं, उनमें से कुछ सवाल हमने महत्वपूर्ण उठाए हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे कि आखिर उनकी कुंडली के हिसाब से क्या कहता है आने वाला समय उनका। योगी जी का समय अभी कैसा चल रहा है, आने वाले 6 महीने उनके लिए कैसे रहने वाले हैं और ये कार्यकाल जो उनका तकरीबन 2 साल का बचा है, ये कैसा रहेगा, कोरोना से वो कैसे मुक्ति दिलाएंगे उत्तर प्रदेश को और क्या कुछ वो बेहतर करने जा रहे हैं आने वाले समय में, इसकी चर्चा मैं विस्तार से अपनी इस कार्यक्रम के ज़रिए से करूँगा। सबसे पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि योगी जी की कुंडली में सितारे इस समय क्या कह रहे हैं, क्या ग्रह चाल चल रहे हैं। शनि बृहस्पति दोनों वक्री हैं, क्या वो बड़ा उथल पुथल योगी जी की कुंडली में करने वाले हैं, क्या कुछ बहुत बेहतर होने वाला है या कोई संकट के बादल योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर या उत्तर प्रदेश में कोई आने वाले हैं, ये चर्चा दर्शकों हम करने जा रहे हैं कुंडली के हिसाब से। तो सबसे पहले नज़र डाल देते हैं कि योगी जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, योगी जी की कुंडली के अनुसार जो है उनका सिंह लग्न बनता है और कुंभ राशि है और लग्न से पंचम भाव में गुरु हैं, बहुत ही शुभ हैं ये, छठे भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में अगर उनकी कुंडली के चर्चा करते हैं तो चंद्रमा बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव खाली है, दशम भाव में सूर्य बुध और शनि का बहुत ही पावरफुल राजयोग है और 11वें भाव में उनके मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है जो कि काफ़ी उनको यश दिलाती है जनता के द्वारा, और 12वें भाव में यानी मोक्ष के भाव में, खर्च के भाव में केतु बैठा हुआ है। तो ये उनकी गृह स्थिति है और इस समय नज़र डालते हैं इनकी कुंडली में क्या दशा चल रही है। देखिए, 2017 से जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, उनको केतु की महादशा चल रही है और अगर वर्तमान में मैं चर्चा करूँ तो केतु में राहु की अंतरदशा चल रही है, थोड़ा सा संघर्ष को दिखा रहा है कि उनके जीवन में ये एक संघर्ष का दौर चल रहा है, यानी कि जितना उन्होंने जीवन में संघर्ष उठाया है कुछ उतना ही बड़ा संघर्ष इस समय भी उनके जीवन में रहेगा। और ये दर्शकों 2020 मार्च से चल रहा है और ये समय 29 जनवरी 2021 तक रहेगा उनकी कुंडली में, यानी केतु में राहु का अंतर रहेगा। और सभी को अगर ज्ञात हो तो इसी केतु की राहु की अंतरदशा में ही श्री योगी आदित्यनाथ जी का पिताजी का भी निधन हो गया था, तो बहुत बड़ी क्षति थी ये उनके लिए और वो जा भी नहीं पाए थे कोरोना वायरस के चलते उनकी अंत्येष्टि में। तो जीवन का बहुत ही संघर्षपूर्ण समय ये योगी जी का चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा है, माता रानी की ऐसी कृपा है कि बड़े से बड़े संकट अगर इनके ऊपर भी आ जाएं तो ये उनसे पार पा लेंगे। कुछ इनकी कुंडली में ग्रहों का खेल ही ज़बरदस्त है जिसके चलते बड़ी से बड़ी परेशानियों से ये छुटकारा पा लेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले इनकी कुंडली पे एक नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, क्या उनको ग्रह नक्षत्र कहते हैं और क्या इनका भविष्य है।
देखिए कुंडली इनकी बहुत ही पावरफुल है, सिंह लगन होने के नाते योगी जी बहुत ही आदर्शवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, यानी कि एक प्रथा को लेकर चलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुंडली में जो दशम भाव में योग बना हुआ है सूर्य बुध शनि का, ये बहुत ही पावरफुल योग है, इसी के कारण इनको मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति भी और एक बड़े उच्च पद की प्राप्ति भी आने वाले समय में हो सकती है। तो ये कुछ इनके कुंडली के सितारे बता रहे हैं। ऐसे कुछ सितारे मैंने मोदी जी की कुंडली में भी देखे थे, दशम भाव में उनके भी सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र था। तो ये बहुत ही पावरफुल राजयोग बनता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव में दो या दो से ज़्यादा ग्रह बनते हैं तो दर्शकों उनको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, यानी कि जिस लेवल पर वो कार्य कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में उस कंपनी में वो बड़े लेवल पे जैसे CEO, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ऐसी पदवी उनको हासिल होती है। तो योगी जी की कुंडली पर आते हैं, क्या कहता है उनका समय। देखिए इस समय देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत बुरी तरह फैली हुई है और योगी जी का जो मॉडल है वो कोरोना को लेकर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कार्य किए हैं। तो प्रिडिक्शन, मेरी पहली प्रिडिक्शन ये है कि वो यूपी को बहुत जल्द ही इस कोरोना नामक महामारी से बाहर निकालेंगे। उनके जो अभी तक के किए गए कार्य हैं बहुत ही सराहनीय रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किए हैं, आने वाले समय में कुछ ऐसे ही बेहतर कार्य करेंगे और बहुत जल्दी वो यूपी को कोरोना मुक्त करेंगे। उनकी बनाई हुई गई नीतियाँ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त और सार्थक साबित होने वाली हैं, ऐसी उनकी कुंडली कह रही है। क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र की बात करें तो बृहस्पति का पंचम भाव में होना उनके लिए बहुत शुभ है कुंडली में, और लगन का स्वामी दशम भाव में बैठा है, जो कि उनको कोई भी टास्क मिलता है, कोई भी कार्य मिलता है, कोई भी चुनौती मिलती है उसको बखूबी अंजाम देते हैं। तो कोरोना काल संकट से योगी जी जो हैं, अगर इनकी कुंडली से देख रहा हूँ, उनके गोचर ग्रह नक्षत्र से देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के सितारों के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 अगस्त के बाद जो है ये जो समस्या है यूपी से धीरे 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 समाप्ति की ओर हो जाएगी। और इस समय सूर्य का जो भी राशि परिवर्तन जो होने वाला है जुलाई के माह में, इसके बाद बड़ा फर्क पड़ जाएगा, यानी कि सूर्य जैसे ही कर्क राशि में आएगा, अभी मिथुन राशि में है, तो ये यूपी के हालात जो है बदलने शुरू करेगा और योगी जी को और पावरफुल बनाना शुरू कर देगा। देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से इन्होंने, इनका रोज़गार जो है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यूपी में तरक्की कराई है, रोज़गार दिया है बहुत अच्छा, क्राइम पर भी इन्होंने रोक लगाई है और बहुत ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। ये इसी तरीके से बखूबी अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। आने वाले समय में कोई बड़ी योजना भी यूपी में लाएंगे जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो योगी जी की कुंडली के सितारे जो हैं थोड़ा संघर्ष कराएंगे इनको जनवरी तक, लेकिन ये अपने कार्य जो प्लानिंग बनाकर बैठे हैं उसमें पूरी तरीके से सफल होंगे, यूपी की जनता को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे, गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और इस महामारी से भी मुक्ति दिलवा देंगे। 10 अगस्त के बाद समय होते होते धीरे धीरे बहुत तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आएगा और यूपी में योगी जी के रोज़गार जो मॉडल कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है और क्राइम भी बहुत कम हुआ है, तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है। तो दर्शकों ये उनके ग्रह नक्षत्र हैं जिसके कारण वो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। आपको बता रहे हैं कि आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। देखिए योगी जी की कुंडली के अनुसार आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत ही सार्थक रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया रहेंगे, प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ी विदेशी कंपनियां जो हैं उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकती हैं और यहां बड़ा अच्छा रोज़गार का साधन बनने वाला है, धन निवेश काफ़ी होगा, काफ़ी अच्छी फैक्ट्रियां यहां लगने वाली हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आके निवेश कर सकती हैं आने वाले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो स्थितियां बहुत बढ़िया रहने वाली है सरकार की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे आज बहुत खुश है जो उनके सितारे बता रहे हैं, और आने वाले समय में भी इनसे प्रसन्न रहेगी। और 6 महीने का कार्यकाल जो है इनका बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत अच्छे फैसले लेंगे, जनता के पक्ष में लेंगे और जनता को बड़ा लाभ मिलेगा।
और दर्शकों, ये जो कार्यकाल इनका रहेगा, जो कि तकरीबन 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है या कुछ कम भी बचा हुआ है, तो ये कार्यकाल बहुत ही सार्थक रहेगा इनके लिए, क्योंकि जनवरी 2021 के बाद इनको बृहस्पति की अंतर्दशा आ रही है, उसके बाद शनि की अंतर्दशा आ रही है, तो ये काल और भी स्वर्णिम काल रहेंगे। अगर हम करें भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, जनता को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं या कुछ प्लानिंग अगर कर रही हैं कि किसी तरीके से वो इनके खिलाफ़ कुछ प्लानिंग करें, वो अपना काम करती रहेंगी, और योगी जी के सितारे जो कह रहे हैं कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करते रहेंगे, बखूबी अंजाम देंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से। और दर्शकों, आने वाले समय में बहुत से दर्शकों ने ये भी जानना चाहा है कि 2022 में क्या रह सकता है, क्या योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, उस समय जो सितारे कह रहे हैं योगी जी के, वो बहुत ही इनके ज़बरदस्त रहेंगे, और 2 साल के बाद के जो इनके सितारे हैं वो और भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। यानी कि अभी केतु में राहु चल रहा है 21 तक, 22 तक इनका बृहस्पति चलेगा, फिर शनि की दशा आएगी इनको, केतु में शनि आ जाएगा और फिर उसके बाद केतु में बुध आएगा, तो ये जो दशाएं चलेंगी, ये दशा इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी और एक बार दोबारा फिर से इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद भी इनको दिलवा सकती है। सितारे के अनुसार कुछ ये चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, ये कैलकुलेशन इनकी कुंडली के हिसाब से है, जो हमें नेट से प्राप्त हुई इनकी जन्म पत्रिका, उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इनका आने वाला समय कैसा रहेगा। ये किसी भी तरह की कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, कोई बायस चीज़ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, जो जैसी कुंडली जिसकी बता रही है उसके हिसाब से हमने सिर्फ ये प्रेडिक्शन करी है। और इससे पहले भी हमने कई प्रेडिक्शन करी थी, जैसे कि राजस्थान में बताया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली में बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश में जिस समय चुनाव थे तो बताया था कि शिवराज सिंह जी को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और 2019 में ये भी बताया था कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार आएगी। तो देखिए, ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं और ये किसी भी तरह की व्यक्तिगत प्रेडिक्शन नहीं है, जो जिसके सितारे जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से वैसी ही प्रिडिक्शन करके हम आपको बताते हैं दर्शकों। और अगर बात करें शुक्र की महादशा की, जब शुक्र की महादशा योगी जी की आएगी तो केंद्र में भी उच्च पद की प्राप्ति इनको होती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा है कि क्या योगी जी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या आने वाली स्थिति में। देखिए, ऐसा योग इनकी कुंडली में बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य शनि होते हैं, तो व्यक्ति को टॉप का मतलब कि टॉप क्लास जो है लेवल जिसका रहता है, यानी कि उच्च पद की प्राप्ति होती है, और ये उच्च पद इनकी कुंडली में बना हुआ है। उस समय की परिस्थिति और ग्रह नक्षत्र क्या कहेंगे वो समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कुंडली जो है वो प्रधानमंत्री लेवल तक है, इनको उच्च पद की ओर ले जा सकती है, ऐसी इनकी कुंडली कह रही है। तो दर्शकों, हमने आपको बताया योगी जी की कुंडली क्या कहने जा रही है आने वाले समय में यूपी में। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में क्या कोई ऐसा योग है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।